पूरे देश भर में ईद को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं शनिवार की प्रातः खानकाह मादिया मंगल तलाव समेत अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सैयद शाह मुजीबिकुल हक एमादी ने नमाज अदा कराई। नमाजियों ने देश भर में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे और बड़े एक दूसरे को ईद की बधाई देते नजर आए। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खानकाह बारगाह इश्क तकिया शरीफ मितन घाट पटना पहुंचे। उन्होंने भी लोगों को ईद की बधाइयां दी तथा सज्जादा नसीर सैयद शाह ख्वाजा आमिर साहिब ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया व गले मिलकर ईद की बधाई दी। ग्राउंड और ईद को लेकर आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद त्यौहार को लेकर पटना सिटी के मालसलामी थाना और आलमगंज थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जो मालसलामी और आलमगंज थाना से निकलकर संवेदनशील इलाकों में भ्रमण किया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य था ईद पर्व में शांति की सुरक्षा बनाए रखना। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। ईद का जो मौका है बहुत खुशी का मौका होता है। पूरे महीने हम लोग जो भी मान लो रोज़ा रखते हैं, पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद ये जो चांद रात आती है अलग ही खुशी लेकर आती है। ताकि अगले दिन हम लोग नमाज़ पढ़ें और लोग नमाज़ पढ़ के एक दूसरे से गले गले मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज खानकाह बारगाह तकिया शरीफ में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी तशरीफ लाए और सब लोगों से गले गले मिले, हमसे भी मिले, सब लोगों से गले मिलके आपसी भाईचारे का उन्होंने एक पैगाम पूरे बिहार को दिया और देश को दिया। इसलिए हम पूरे अपने तरफ से खानकाह की तरफ से पूरे बिहार के लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ईद का संदेश तो बहुत अच्छा संदेश होता है और हर साल यहाँ जो ईद के मौके पर चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार तशरीफ लाते हैं और साथ में डिप्टी सीएम जो है आपको तेजस्वी यादव को भी तशरीफ लाते हैं, क्योंकि भाईचारा का माहौल बना रहे और बिहार तरक्की करता रहे। आप अपना परिचय। मेरा नाम सैयद शाह ख्वाजा तमीम इश्की। ईद ये मोरालिटी का दिन है, भाईचारे का और प्यार का मोहब्बत का दिन है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मीठी चुपड़ी बातें करके प्यार मोहब्बत नहीं जताया जाए, क्योंकि मीठी चुपड़ी बातें अपने मतलब के लिए भी की जा सकती हैं, मगर असल मोहब्बत ये है कि जिसका कोई ना हो उसको सब झुटकार दें, सब नकार दें, जिसका कोई सहारा ना हो उसका सहारा बना जाए, यतीमों का सहारा बना जाए, बेवाओं का सहारा बना जाए, गरीबों का सहारा बना जाए, नादारों का सहारा बना जाए, जिसकी ईद की खुशियाँ उजड़ गई हैं उनका सहारा बना जाए, जिसके घर में खाना नहीं उनके घर में खाना पहुँचाया जाए, और जिससे कोई मिलने न जाता हो, जिसकी कोई बात ना सुनता हो उनकी बातें सुनी जाए और उनसे मिलने जाया जाए। ये है ईद का मकसद। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश ये है कि दुश्मनी आपस में भाईचारगी, दुश्मनी भुला के आपस में भाईचारगी को अपनाएं और तमाम लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। इसी में एक सोसाइटी परवान चढ़ सकती है। बगैर भाईचारगी के कोई सोसाइटी परवान नहीं चढ़ सकती। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।